हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं और आप देख रहे हैं आसाम टेक एंड ब्लॉग में आपको फिर से एक बार वेलकम। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमारा फ़ोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो या कोई फोटो रहता है और हम चाहते हैं कि वो छुपा के रखे, कोई देखे ना, क्योंकि हमारा फ़ोन जो है कभी भी कोई भी ले सकता है, मांग के ले सकता है, कोई हमारा फैमिली का कोई फ्रेंड कोई भी हो ले सकता है और हम चाहते हैं कि वो फोटो ना देखे कोई भी। लेकिन ऐसा हमारा स्मार्टफोन में फ्यूचर है नहीं कि हम उसको छुपा के रख सके। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसका नाम है कैलकुलेटर। वो आप कैलकुलेटर की तरह ही यूज़ कर सकते हैं और उसी के अंदर जो है अपना फोटो या वीडियो को, किसी भी डेटा को, पर्सनल डेटा को छुपा के रख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर फोटो या वीडियो छुपा हुआ है, क्योंकि वो कैलकुलेटर की तरह दिखता है और कैलकुलेटर की तरह ही काम करता है। वो एक एप्लीकेशन ऐसा ही है जो कैलकुलेटर नाम है उसका, और कैलकुलेटर की तरह ही इसको यूज़ किया जा सकता है। बस उसको उसमें कोड डालना पड़ता है, आपका बनाया हुआ जो कोड रहेगा उसी को आप डाल लेंगे तभी वो जो फोटो है या फिर वीडियो है वो दिखेगा, वरना किसी को दिखेगा नहीं। और किसी को शक भी नहीं होगा कि आपके मोबाइल में ऐसा कोई एप्लीकेशन है जिसके अंदर फोटो या वीडियो छुपाया जा सकता है, ऐसा कोई एप्लीकेशन है वो, उसको शक भी नहीं होगा और कभी वो सोचेगा भी नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं किसी फोटो या वीडियो को छुपा के रखने के लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ से एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है बोल्ट कैलकुलेटर। मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ, आप कर लीजिएगा, ये प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, बोल्ट कैलकुलेटर सर्च करने से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो एप्लीकेशन जो मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा यूज़ नाउ का, तो उस पर हमें क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कोड बनाना होगा जिस कोड से आप जो अपना गैलरी फ़ोटोज़ को छुपा के रखेंगे उसको देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली कोई एक कोड बना लेता हूँ, 1256 बना लेता हूँ, फिर यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। फिर से और एक बार वही कोड डालना पड़ेगा, 1256। ऐड आते हैं कोई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डर आ गया है। यहाँ पे जो प्लस का आइकॉन दिख रहा है ये वाला, इसी पे हमें क्लिक करना होगा और यहाँ से जो लास्ट का ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ से जो इंपोर्ट फोटोज़ का ऑप्शन है उस पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ से हम कोई भी फ़ोटोज़ को वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो मैं सिंपली इन दो फोटो को ले जाता हूँ, इन दो फोटोज़ को उसके अंदर छुपा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ये रहा, देखिए अभी हो रहा है। बस ये फ्रेंड देखिए, यहाँ पे दोनों जो है आ गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें अपना ईमेल डालना होगा, रिकवरी ईमेल, मतलब हम पासपोर्ट भूल जाते हैं तो उसको फिर हमारा ईमेल डाल के खोल सकते हैं, इसीलिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल ईमेल डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपना ईमेल जो डाल दिया हूँ और आप देख सकते हैं ये फ़ोटो यहाँ पर आ गया है। ये देख सकते हैं मैं दो फोटो यहाँ पे ऐड किया हूँ, हाइड किया हूँ, मतलब छुपाया हूँ कैलकुलेटर में, आपको देख दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं अभी मैं इस पे कैलकुलेटर पे क्लिक करूँगा तो ये कैलकुलेटर जैसा ही काम करेगा। ये देख सकते हैं प्लस 30 जो कल ऐसा ही काम करेगा ये, और कोई भी अगर इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो कैलकुलेटर जैसे ही काम कर पाएगा। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कैलकुलेटर जैसे ही काम कर रहा है, जब इसको आप अपना कोड डालेंगे तभी ये खुलेगा। मैं अपना कोड डाल रहा हूँ, 1256। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं कोड डाला हूँ तो हम मेरा जो फोटोस है वो दिख रहा है। फ्रेंड्स, इसको आप यहाँ से फिर, अगर आपको यहाँ से फिर एक्सपोर्ट करके ले जाना है, गैलरी में फिर से दिखाना है तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है, यहाँ पर ओके कर देंगे। एक चला गया, इसको भी हम ले जाते हैं वहीं पर। तो फ्रेंड्स, वहां पे चला गया, अब इसको यहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं, फिर यहां ये रहेगा नहीं। अब जाते हैं हम गैलरी में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दो फोटो है जो नीचे का, ये हमने वहां पे इंपोर्ट किया था। अब ये फोटो थोड़ा देर में, हाँ देखिए फ्रेंड्स, वो बोलते बोलते भाग गया है।
फिर हमने जो इन दोनों फोटो को अभी अभी वहाँ से एक्सपोर्ट करके गैलरी में डाले हैं तो वो आया है। अगर हम वहीं पे रखते तो यहाँ पे वो फोटो जो ये दोनों फोटो हमें दिखाई नहीं देता। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोटोज़ को छुपा सकते हैं या फिर कोई भी वीडियोज़ को छुपा के रख सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो कोई भी फ़ोटो या वीडियो को छुपा के रखा है कैलकुलेटर के अंदर, क्योंकि वो एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर जैसा ही दिखता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, और इसी तरह अगर वीडियोस रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और आया हो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना न्यू वीडियोज़ के लिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ।